टाइम्स डेली HD न्यूज। यज्ञ कर्मकांड की विधि है जो परमात्मा द्वारा ही हृदय में संपन्न होती है। जीव के अपने सत्य परिचय जो परमात्मा का अभिन्न ज्ञान और अनुभव है, यज्ञ की पूर्णता है। यह शुद्ध होने की क्रिया है। इसका संबंध अग्नि के प्रतीक रूप में किया जाता है। यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के साथ जगत का भी कल्याण करता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्था जय गोपाला द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 19 में साई सुमन नगर रामदत्त का भट्टा पर 7 नदियों के जल को एकत्रित कर श्री राम अक्षत अर्चन महायज्ञ का आयोजन किया गया। संस्था जय गोपाला की रेखा अशोक यादव की अगुवाई में रविवार को हुए इस यज्ञ में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लेकर यज्ञ कार्य संपन्न किया। संस्था जय गोपाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव जय गोपाला ने बताया कि जब भगवान श्री राम वनवास पर गए थे तब वहां उन्हें मिले 108 ऋषि मुनियों संत जनों ने मिलकर अक्षत अर्चन महायज्ञ के माध्यम से उनकी पूजा की थी। इसलिए इस यज्ञ का बड़ा महत्व है और इसमें भगवान के 108 नामों से उनकी पूजा होती है। श्रीमती रेखा अशोक यादव ने बताया कि यज्ञ में भाग लेने वाले लोगों से नाम मात्र का शुल्क मात्र 10 रुपए लिया गया। वह भी इसलिए कि यज्ञ में उनकी स्वयं की ओर से भी कुछ भाग लगना चाहिए। यज्ञ की सारी सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं संस्था जय गोपाला ने निःशुल्क प्रदान की। इस अवसर पर आचार्य पंडित अजय शर्मा द्वारा मंत्रोपचार एवं विधि विधान के साथ महायज्ञ सम्पन्न हुआ। श्रीमती रेखा अशोक यादव ने बताया कि यज्ञ में 7 नदियों गंगा यमुना सरस्वती शिप्रा नर्मदा गोदावरी एवं ब्रह्मपुत्र के जल से यज्ञ कार्य संपन्न कराया गया। नमामि विघ्ने सर्वादवंगजं वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु मानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणिम्यादो सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्मह गणाधिपते नमः ध्यानायास्तार्थ्यक्षदान समर्पयामि नमः। इसके बाद में पुनः एक बार शिव पार्वती का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़कर पार्वती का ध्यान करें। ओम ध्याय नेतम महेशम रजर्गम चारु चंद्रांगमरा भीतिहस्ता प्रसन्नं पंचवक्त्रं त्रिनेय सपरिवाराय सायुधाय सश्री सांब सदा शिवाय नमः महाकालेश्वराय नमः। चावल और आप अपन संकल्प करेंगे कि और सफलता और विजय मिलते रहे। तो सभी जने हाथ में जो है वनवास गए 14 वर्ष का। उस वन में भगवान श्री राम को वनवास के समय 1008 संत मिले। कितने मिले? 1008 संत। इन संत महर्षियों ने श्री राम के प्रत्येक आश्रम में भगवान जब गए तो सभी ने मिलकर भगवान श्री राम की अनेक प्रकार से जो है स्तुति करी। कर्पूर कराये नमः। ओम कर्पूर कराये नमः। दो दो दाने डालिए, दो दो फूल की बत्ती चढ़ाना आपको। ओम काकुस्त्याय नमः। ओम काकुस्त्याय नमः। ओम कमलनाथाय नमः। ओम कोदंडने नमः। नमः। ओम काम नमः। ओम कासा। ओम ओम अर्चन अक्षतीय जो कि भारतवर्ष में पहली बार श्री राम दत्त का भट्टा जो राम के नाम से राम दत्त का भट्टा है वार्ड 19 के अंदर हो रहा है। और इस यज्ञ से अक्षत अर्चन यज्ञ से सारी अलय बलय दूर होती है। जब श्री राम जी वनवास को गए थे तो ऋषि मुनियों ने यह नाम मावली रखी थी 1008 श्री राम जी की, उसके द्वारा यह राम अक्षत अक्षत यज्ञ हो रहा है। करीब
500 से 700 की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु या यज्ञ कर रहे हैं। श्री अजय जी शर्मा जी विद्वान जो है यह यज्ञ करवा रहे हैं। नहीं, शुल्क 10 रुपए लिया गया है, क्योंकि देखा जाता है जब तक हम 2-5 रुपए शुल्क नहीं लेते हैं तो अपना यह लगता नहीं है, इसलिए 10 रुपए शुल्क है और सारी सामग्री निःशुल्क है। आपका परिचय अशोक यादव संता जय गोपाला आयोजक।